बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी पौधे की मदद से अपने चेहरे के बाल उतार सकते हैं? नहीं ना, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ। आप पौधे की मदद से अपने चेहरे के तमाम बाल हटा लेंगी, रिमूव कर लेंगे और उनकी ग्रोथ भी ख़त्म हो जाएगी। यकीन आए तो वीडियो को लास्ट में देखना और लेज़र से भी आपकी जान छूट जाएगी। अगर आप वैक्सिंग करवाती हैं तो अपनी स्किन को ख़राब कर चुकी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये बहुत ही ट्रस्टेड वीडियो है। और ये जो फटकरी आपको पता, जो मेरे हाथ में आप फटकरी देख रहे हैं, इसकी मदद से हम ये रेमेडी रेडी करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किससे इजी तरीके से अपने बालों, चेहरे के बालों को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, आपने वन एंड हाफ टी स्पून का आपने लेना है फटकरी का पाउडर। आपने फटकरी का पाउडर बना लेना है, वो आपने लेना है। फिर आपने इसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। ठीक है, हल्दी डालने के बाद आपने इन सब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको पता है कि जब भी हम वैक्स करवाते हैं या लेज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारे जो स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है। इससे जब ये रेमेडी आप यूज़ करेंगे तो आपकी ना स्किन ब्लैक होगी और ना आपके बाल जल्दी उगेंगे। ठीक है, ये अगर आप कैटगरी से ये रेमेडी यूज़ करती जाएंगी तो आपके बालों की ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर आपने 1 टीस्पून आपने हनी का लेना है। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप चीनी का भी सिरप बना के वो भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी इसी तरह फ़ायदा देता है जैसे हनी हमें फ़ायदा देता है। ठीक है, फिर आप इसको तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ठीक है, जैसे आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, अच्छी तरह से ये चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। ये वैक्स, ये जो तरीका है ना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर आपने इसमें 4-5 ड्रॉप्स ये रोज़ वाटर के डाल लेने हैं। ठीक है, उसके आपने डाल लेना, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जैसा फटकरी का पाउडर है वो भी ज़रा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको लगाना कैसे है, क्योंकि जब तक आपको लगाने का मेथड सही तरीके से ना पता चले तो ये रेमेडी यूज़फुल नहीं होती। ठीक है, ये मेरे हस्बैंड के बाजू हैं, मैंने इसलिए इनके बाजू लिए हैं कि आपको पता चले कि रेमेडी किस तरह से हमारी स्किन पर असरअंदाज करती है। ठीक है, इफ़ेक्ट करती है, ये देखें। फिर आप, मैंने इस तरह अपने हस्बैंड का बाजू लिया, उस पर अब लेप करूँगी। इसी तरह आपने चिन के नीचे भी, जिधर आपके हेयर हैं आप उधर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लेप की तरह लिप पे भी, फोरहेड पे भी, इसी तरह आपने लेप ही लगा देनी है इस रेमेडी को। ठीक है, और आपने इस रेमेडी को 30 मिनट तक रखना है। फिर जब 30 मिनट हो जाए तो आपने किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरह से ज़रा थोड़ा ज़ोर लगा के इस तरह से आपने इसको साफ़ करना है। ये देखना, ये आप खुद देखेंगी कि सारे बाल मेरे इस कपड़े के अंदर है, लेकिन शायद आपको नज़र ना आए और आप स्किन भी देखें मेरे हस्बैंड की। जब ये आप आहिस्ता आहिस्ता इस रेमेडी को वीक में 2 दफ़ा यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको अच्छा ही आएगा। चलें फिर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।